सर सैयद अहमद ख़ान ने सन 1875 में जब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी तो उनका मकसद था लोगों को इल्म की रोशनी से सरफराज करना। इस मकसद के तहत 1877 में लिट्टन लाइब्रेरी वजूद में आई, लेकिन तलबा की बढ़ती तादाद को मद्देनज़र रखते हुए सन 1955 में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई और 5 साल के लंबे अरसे के बाद यह लाइब्रेरी वजूद में आई। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी 1877 में कायम हुई। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़ाती किताबें और उनके साथियों ने अपने तमाम मैनुस्क्रिप्ट और किताबें लाइब्रेरी को डोनेट की और इसका नाम लॉर्ड लिट्टन के नाम पर लिट्टन लाइब्रेरी रखा गया। पहले ये सर सैयद हॉल के एक हिस्से में थी जिसको कि लिट्टन हॉल कहते थे और वो आज भी लिट्टन लाइब्रेरी के नाम से वहाँ पर मौजूद है। ये लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है मौलाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की और इसके साथ यहाँ पर और डिपार्टमेंटल और पब्लिक लाइब्रेरीज तकरीबन 90 हैं। टोटल लाइब्रेरी का कलेक्शन तकरीबन 11 लाख किताबें और जर्नल्स के बराबर है जो कि डिफरेंट लाइब्रेरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अलबत्त टोटल एक्विजिशन प्रोसेस हमारा सेंट्रलाइज है जिसके अंदर हम यूनिवर्सिटी के किसी भी हिस्से किसी भी लाइब्रेरी के लिए किताबों की जो ज़रूरत होती है वो सेंट्रल लाइब्रेरी के थ्रू हम खरीदते हैं। लाइब्रेरी इस वक्त मेंबरशिप लाइब्रेरी की जो है वो करीब करीब 11,300 के करीब है। लाइब्रेरी अब पूरी कंप्यूटराइज्ड है। अलबत्ता जो उर्दू फारसी अरबी हिंदी और संस्कृत की किताबें हैं उनकी डाटा एंट्री और बारकोडिंग का काम अभी प्रोग्रेस में है। वहाँ थोड़ी मुश्किल थी सॉफ्टवेयर वगैरह की जिसकी वजह से वो काम देर से शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेजी की जितनी किताबें हैं जितने जर्नल्स हैं वो सारे के सारे हमारे ओपैक पर हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल हैं। हमारा सर्कुलेशन भी बाकायदा कंप्यूटराइज है जिसके अंदर के किताबें लड़कों को डायरेक्टली बार कोड को रीड करके और बार कोड रीडर्स लगे हुए हैं वहाँ पर उससे उन किताबों को उन्हें इशू कर दिया जाता है या रिटर्न कर दिया जाता है। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी सिर्फ तलबा के पढ़ने की जगह ही नहीं बल्कि इस लाइब्रेरी में बहुत सी मैनुस्क्रिप्ट ऐसी भी मौजूद हैं जिनमें सबसे अहम है हज़रत अली और औरंगज़ेब के हाथों लिखे हुए कुरान करीम। मैनुस्क्रिप्ट डिवीज़न हमारी लाइब्रेरी का सबसे शानदार डिवीज़न है जिसके अंदर 14,800 मैनुस्क्रिप्ट हैं। ये वो मैनुस्क्रिप्ट हैं जो कि हाथ के लिखे हुए हैं, बहुत पुराने भी हैं और अपने आप में नायाब और नादिर हैं। इसके अंदर सबसे पुराना नुस्खा हमारे पास कुरान करीम का कुछ हिस्सा है जो ये कहा जाता है कि हज़रत अली 4th खलीफा थे उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये सूरह बकर का शुरू का कुरान का हिस्सा है जो कि पार्चमेंट पर लिखा है और इसमें कूफी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। कूफी स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट है जिसके अंदर डायक्रिटिकल मार्क्स नहीं होते, यानी जेर ज़बर पेश वगैरह नहीं होते। कहा जाता है कि 1,350 साल से ज़्यादा पुराना ये नुस्खा है और इसको ये पूरा हिस्सा जो है ये पार्चमेंट है जिसको कि हैंडमेड पेपर पर माउंट किया हुआ है। ये इसके मुख्तलिफ पेजेस हैं। ये बेहद कीमती नुस्खा है और इसको ख़ास तौर पर लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। जहाँ लाइब्रेरी में कुरान करीम को महफूज रखा गया है तो वहीं भगवत गीता का फारसी तर्जुमा भी मौजूद है। ये एक और मखतूता है जो कि अकबर के दौर में अकबर के ऑर्डर्स पर श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था अबुल फैज़ फैजी ने। अबुल फैज़ फैजी 9 रत्नों में से एक थे और अकबर की कोर्ट में वजीर का दर्जा रखते थे। उन्होंने इसका ट्रांसलेशन फारसी जुबान में किया श्रीमद् भगवत गीता का और ये भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा तकरीबन 104 ऐसे हिंदू स्क्रिप्चर्स जो अकबर के ऑर्डर्स पर या अकबर से लेकर दारा शिकोह तक के पीरियड में ट्रांसलेट किए गए थे फारसी जुबान में वो हमारे पास अवेलेबल हैं लाइब्रेरी के अंदर। ज़ाहिरी रोशनी से महरूम नाबीना तलबा के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है जहां ब्रेल में लिखी गई किताबें मौजूद हैं।
सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर बहुत कलेक्शन, इनवेल्यूएबल कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। जैसे मखतूतात की जहाँ बात करें, 14,800 मखतूतात या मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। उर्दू का कलेक्शन खास तौर पर काबिल जिक्र है, जिसके अंदर करीब करीब 156,000 किताबें हैं। फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत की किताबें अलग हैं, जो कि अपने आप में बहुत हैं। संस्कृत की किताबों की अहमियत यहाँ पर इसलिए भी ज़्यादा है कि 1877 में जब यूनिवर्सिटी कायम हुई, उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एस्टेब्लिश किया गया था और एक पंडित जी को खासतौर पर संस्कृत पढ़ाने के लिए मुतय्यन किया गया था, जिसके नतीजे में यहाँ पर बहुत सी संस्कृत की किताबें ऐसी वैल्यूबल और नादिर मौजूद हैं, तो जिनमें ज़्यादातर किताबें अब संस्कृत डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। हमारे यहाँ जो मैनुस्क्रिप्ट हैं उनकी तादाद करीब 14,800 है, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन उसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की और दूसरी ज़ुबानों के मैनुस्क्रिप्ट हैं। इन मैनुस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन का सबसे बड़ा मसला है, इसलिए इस पूरे एरिया को करीब 30-35 साल पहले हम लोगों ने एयर कंडीशन कर दिया था और वो पूरे मैनुस्क्रिप्ट उस हालत में रखे हुए हैं। इसके कंजर्वेशन के लिए हमने नेशनल मिशन फॉर मैनुस्क्रिप्ट्स की खिदमत भी हासिल की और टेक्निकल असिस्टेंस के साथ हमने इसका पूरा कंजर्वेशन का काम कराया। इसके अलावा अब हम मैनुस्क्रिप्ट को बाकायदा डिजिटाइज कर रहे हैं। मैनुस्क्रिप्ट के अलावा बहुत से और दूसरे ऐसे पब्लिकेशन जो हमारे यहाँ बहुत रेयर हैं, उनको भी डिजिटाइज करने का काम जारी है। इसके अलावा वेब ओपन हम बहुत जल्दी इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिससे पूरे कैंपस में किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी जो चाहे वो हमारे ओपैक को यहाँ कंसल्ट कर सकता है और ये पता कर सकता है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या कलेक्शन है। लाइब्रेरी के अंदर पिछले 4-5 सालों के अंदर किताबों का इशू रेटर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 5 साल पहले यहाँ पर तकरीबन 250 से 300 तक किताबें पर डे स्टूडेंट्स को इशू होती थी। इस वक्त इन किताबों के इशू होने की तादाद 1,000 से 1,100 पर डे है। इससे जाहिर होता है कि किताबों का यूज़ बढ़ता गया है, लड़कों में पढ़ने का रुझान बहुत बढ़ रहा है। लाइब्रेरी का पूरे रीडिंग हॉल सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमेशा भरे रहते हैं।